हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसी कड़ी में किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी के नेतृत्व में किसान नेताओं की मीटिंग ली गई और आंदोलन को आगे ले जाने के बारे में रणनीति बनाई गई। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और दूसरा पंचकुला के सभी बिजली दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि किसानों से पैसे ले लिए गए हैं लेकिन उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए इसे जातिगत रूप दे रही है। की जो मीटिंग है उसका क्या उद्देश्य है, वो कहां तक पहुंची? देखिए, ये हमारी हरियाणा प्रदेश की मीटिंग थी, हमारे ग्रुप की, किसान यूनियन चढ़ूनी की। आज प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी और आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए या उसके जो बाकी मुद्दे हैं, उसके संगठनात्मक मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की है। और आज जो कांता अलिया जी हैं उनको हमने राष्ट्रीय उप प्रधान बनाया है और भी कई लोगों को पद दिए हैं। तो और 26 तारीख का जो प्रदर्शन है चंडीगढ़ में, जिसका राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना है रोष पत्र के नाम से, राष्ट्रपति के नाम है वो है। और दूसरा, जो हरियाणा के अंदर पैसे भरवा लिए हैं, कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, टावर गाड़ रहे हैं उनके पैसे, कुछ उनका मुआवजा नहीं देते हैं, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इन मांगों को लेके, बिजली संबंधित सभी मांगों को लेके वहाँ पे जो बिजली दफ्तर है पंचकुला में, उसका घेराव करें। 26 तारीख को ही घेराव करें। तो गुरनाम जी, जो ये आंदोलन, हमें लगता है कि कुछ दूसरी दिशा में जा रहा है, कुछ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी हिंसक घटनाएं होगी जी? एक ये यहाँ पे अभी हुई है, जो हाथ काट दिया था एक का, वो तो बहुत देर पहले निपट गई थी। वो देख के कसार गांव का युवक था, उसको जिंदा जला दिया गया था। उसको आपको कैसे पता है कि उसको जिंदा जला दिया गया? वो अपनी वीडियो में बोल रहा है कि मैं पेट्रोल खुद लेके आया हूँ, मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, अपने परिवार से दुखी हूँ, अपनी वीडियो में खुद बोल रहा है। दो तीन वीडियो आई थी सर सामने, कि जो अलग अलग वीडियो थी, उसकी जांच होगी ना। हम उसको ये कैसे कहते हिंसा हो गई, ये कैसे कहते जला दिया गया है, कैसे कह सकते हैं हम जब उसकी जाँच ही नहीं हुई? उसकी जाँच होनी चाहिए, पारदर्शी जाँच होनी चाहिए। जो बंदा गिरफ्तार हुआ है किशन, उसने कबूला है कि मैंने खुद तेल छिड़का इस बंदे के ऊपर और आग लगाई, क्योंकि इसने किसके सामने कबूला थी ना, वो थी जो हमारा संगठन है, वो आम आदमी तक, आम जो मजदूर किसान जो बैठा हुआ है गांव में, उस तक कैसे पहुंचना है। और जो ये जो संगठन है, इसके पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, भाई लोगों से संपर्क करना है और इस आंदोलन को फैल नहीं होने देना है, इस आंदोलन को एक पूरे विश्व में एक मिसाल बना के छोड़ना है। सर, आपसे जो ये सुना है कि जो आंदोलन को लोग दूसरा रुख दे रहे हैं, कभी कोई छोटी मोटी घटना करके या कभी किसी जातिवाद को फैलाकर, इस बारे में आप क्या बताएंगे? अब ये बताने के लिए ही, जैसे जितेंद्र भाई है, जब इनको ये पता चला कि कहीं ना कहीं आंदोलन केवल किसान मजदूर की आवाज़ को नहीं, संविधान को बचाने का भी काम कर रहा है और इस संविधान को, देश की गरीब मजदूर को बचाने वाले आंदोलन को कहीं ना कहीं जातिगत रूप देख कर सरकार डैमेज करना चाहती, ख़त्म करना चाहती, तो इन्हें बहुत दुख होया। अपने साथियों सहित आज ये सिंह बॉर्डर पर खड़े हैं, ये चीज़ दर्शाने और दिखाने का काम कर रही है कि किसान मजदूर इकट्ठे हैं, सरकार इस ताकत को डिवाइड करके अपना लाभ उठाना चाह रही थी, हम इसको समझ चुके हैं। ना ये किसी जाति का आंदोलन है, ना किसी धर्म का आंदोलन है, ये सभी वर्गों का आंदोलन है और ये देश का आंदोलन है। मैं आनंद जी इस बारे में बताऊंगा कि जिस तरीके का जो हमारा समाज है ना, हमारे समाज में क्या है, छोटी की जब घटना होती है ना, हल्की सी घटना होती है, उसको ना एक जाति का एक कराया, मैं उसके बाद मैंने जड़ा लिया, मैं जीना नहीं चाहता, तो कई घंटों के बाद उस आदमी को जलन से, आप समझो एक बेहोशी की तरफ जा रहा था, उस टाइम पर दिया गया बयान तो सही बताया जा रहा है,
और जो करंट में बयान दिया गया था उसको छुपाया जा रहा है। ये सबको बताने का काम कर रही है कि सरकार कितना बड़ा षड्यंत्र कर रही है जिसमें असफल ही रहेगी, मुंह की खाकर रहेगी। धन्यवाद सर। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।